कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार बड़ी तादाद में मादक द्रव्य बरामद होने पर गुजरात को नया नाम दे दिया है। उन्होंने गुजरात को गेटवे ऑफ ड्रग्स नाम दे दिया है। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने आज तक के सभी ड्रग्स मामलों की बरामदी की बात कही है। आप भी देखें यह वीडियो। कोई एजेंडा चलाना हो ऐसा भी नहीं है। ये मुद्दा हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने का मुद्दा, और इसमें कोई राजनीतिक विपरीत हम विचारधारा रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। जुलाई 2017 में पहली बरामदगी की रिपोर्ट आई ड्रग्स की गुजरात के कोस से। जनवरी 2020 में 175 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए, पाकिस्तानी कुछ लोग थे अपनी नावों में आ रहे थे। अप्रैल 2021 में 150 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। 28 अप्रैल को पीपावाव पोर्ट, निखिल गांधी कोई उद्योगपति हैं, उनके यहां बरामद हुए 90 किलो 450 करोड़ के ड्रग्स। सितंबर 2021 में 3 टन हेरोइन 21,000 करोड़ का बरामद हुआ। 18 सितंबर 2021 को ईरान के रास्ते आता हुआ 30 किलो 150 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। लिस्ट बहुत लंबी है, और अभी कल मुंद्रा पोर्ट पे एक बार फिर 52 किलो कोकीन ईरान के रास्ते बरामद हुई। लगातार गुजरात के रास्ते, गुजरात की कोस्ट लाइन पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप कहेंगे ये तो पकड़े गए इसमें क्या खबर है, जो 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स आए और मार्केट में फैल गए, नहीं पकड़े गए जून 2021 में, जो इतना बड़ा ड्रग्स का बरामदगी हो सकती थी और नहीं हुई, वो कितनी ट्रक्स में हिंदुस्तान में फैला होगा। एक ट्रक में पूरे के पूरे ड्रग्स तो आप भर नहीं सकते, कुछ और भी रखेंगे तो 5 टन रख दिया होगा आपने, तो 25 टन ड्रग्स ट्रकों से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से निकलकर पूरे देश में फैल गया। पहले तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे निकल गया, उसके बाद ट्रकों के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। आपने कुछ नहीं किया। हम लोगों के दबाव से 18 महीने तक कोई फुल टाइम हेड नहीं था ड्रग कंट्रोल ब्यूरो का। बाद में जाकर जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर आवाज उठाई, हमारे तमाम नेता पूरे देश में जाकर इस पर उन्होंने बोला, तब जाकर दबाव में आकर इन्होंने एक फुल टाइम हेड बनाया एनसीबी का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ने हमारे सांसद दिग्विजय सिंह जी को के एक सवाल में जवाब दिया, और उन्होंने ये सूचना दी कि एनआईए को ये बरामदगियों का जो केस है वो सौंप दिया गया, 2 बरामदगियों का केस। ये वो जवाब है, मैं आपको संलग्न कर रहा हूं। ये हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को एनआईए को सौंपा गया। आज हम 2022 की मई में हैं, क्या हुआ, क्या फाइंडिंग्स है एनआईए की, ये जरूरी है हमारा सबका, यह जानकारी हमें मिलना। ये एक और खबर जो आई थी जब हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया था, ये अक्टूबर 2021 की खबर है कि अडानी पोर्ट कह रहा है कि अब वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो नहीं लेंगे। सितंबर 2021 में आपने ये कहा अक्टूबर में, और कल ईरान से एक बड़ी बरामदगी हुई।
तो ये ईरान से आना बंद हुआ या नहीं मुंद्रा पोर्ट पे, हम यह जानना चाहते हैं। आपने घोषणा की थी कि अब ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आप कोई सामान नहीं आने देंगे पोर्ट पर, तो अब वो कैसे आया? 7 महीने हो गए आपकी इस घोषणा को, 7 महीने बाद ईरान से ये सामान कैसे आया? 52 किलो कोकीन कैसे पकड़ा गया? हमारा ये सवाल है आपसे। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।